दो गाड़ियों का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि है ऑडी की Q7 और मैं आपको बताने वाली हूँ डिफरेंसेस बिटवीन की पुराने मॉडल और नए मॉडल में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। और अगर आप ऑडी के फैन हैं तो आपने ऑब्वियसली ये चेंजेस नोटिस किए होंगे, पर मैं फिर भी आपके लिए एक बार फिर से इनको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी। तो ये है ऑडी Q7 जो कि 2017 का मॉडल है, जो कि नया मॉडल है, नया वर्जन है ऑडी Q7 का। तो अगर आप इसके फ्रंट में देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो इसका फ्रंट ग्रिल, जो कि इसका मेजर चेंज और मेजर हाईलाइट है। तो अगर मैं इसकी हेडलैम्प्स की बात करूँ तो ये DRL है विथ प्रोजेक्टिव हेडलैम्प्स, और ये इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल है। और अपने डिज़ाइन चेंजेस के बाद भी बहुत ही मस्किलिन लग रही है। अगर मैं इसकी टायर्स की बात करूँ तो इसके टायर्स जो है वो 19 इंच के हैं। पीछे से लुक है गाड़ी का, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसको ओपन करके कि इसका स्पेस कैसा है। तो बस एक क्लिक के साथ आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये एक 7-सीटर कार है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक स्पेयर व्हील भी है। और ये जो है इस सीट को आप यहाँ से एक बटन के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, और ये एक बटन प्रेस करते ही ये सीट नीचे चली जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सीट है और यहाँ पर एक सीट है, और मैं इसको अब एक बटन प्रेस करके हम इसको ऊपर की ओर ले आएंगे। तो ये इसका बहुत ही यूनिक और अमेजिंग फीचर है, जो कि पुराने Q7 में आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा होगा। दिया हुआ है इसका टूल बॉक्स, आप यहाँ पर आकर के इसके टूल बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, बहुत ही ईजी ओपन, और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। डिक्की को बंद करने के लिए आप सिर्फ एक बटन प्रेस कीजिए और ये क्लोज। तो आइए हम देखते हैं कि इस गाड़ी की इंटीरियर्स कैसे हैं और अंदर से ये कितनी स्पेशियस लग रही है। कितने किलोमीटर चली जाती है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस गाड़ी का जो पूरा इंटीरियर है वो बेज कलर का इंटीरियर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। और अगर मैं इसके सामने की पैनलिंग की बात करूँ तो आप ये AC वेंट से लेकर के और इसका जो ऑटोमेटिक पैनल है जो कि बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है। इसकी जो सीट्स हैं वो फुली ऑटोमेटिक एडजस्टेबल सीट्स हैं, जो कि आप सिर्फ इसके साथ में आप आगे या पीछे की तरफ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये गाड़ी जो है ये फुली टेक्नोलॉजी पैक्ड गाड़ी है और कीलेस ड्राइविंग के साथ में। तो आप सिर्फ इसको इसकी की जो है ये है, और ये मैंने यहाँ रख दी, और आप इसका एक बटन प्रेस करके ये हो गई स्टार्ट आपकी गाड़ी। ये जो है इसमें फुल LED डिस्प्ले दिया हुआ है, ये आपका डिस्प्ले है ऑफ द गेजेस। और यहाँ पर आपको एक दूसरा LED डिस्प्ले दिया हुआ, फुल जोन AC है इसमें विथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। और इसकी सबसे अच्छी बात एक और ये है कि इसमें हीटेड मिरर्स हैं, तो ऑफकोर्स वो आपको फॉग और इन सब की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑफकोर्स मेरी फेवरेट एम्बियंट लाइटिंग भी है, और आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और अपने मनपसंद लाइट्स पे लेके जा सकते हैं। इसका जो ये पैनल दिया हुआ है, इनफैक्ट ये भी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आप ड्राइव करते हो यहीं से आप अपने कार को जो स्क्रीन है उसको मैनेज कर पाएंगे, और आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं या जो भी सिस्टम एक्सेस करना चाहते हैं वो आप यहीं से कर पाएंगे। हम इसकी बैक स्पेस में अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ से ये गाड़ी बहुत ही मैसिव लगती है, और जैसे कि आप स्पेस पीछे देखेंगे ये 7-सीटर है और काफ़ी लंबी लगती है अंदर तक। और इसके बेज इंटीरियर की वजह से इसका लुक जो है वो और भी मैसिव दिखाई देता है। और इसके ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें सनरूफ है, जो कि पैनोरामिक सनरूफ है। और जो सनरूफ है, सनरूफ को आप ये वन टच आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है छोटा सा स्पेस आपको मोबाइल वगैरह कैरी करने के लिए। अगर मैं हेडरूम की बात करूं इसमें, तो हेडरूम जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी अच्छा स्पेस है, और मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ यहाँ पर, कंफर्टेबली बैठी हुई हूँ। स्पेस तो हमने देख लिया था कि फ्रंट में स्पेस कैसा था गाड़ी में, मैं आपको इसके रियर सीट में बैठकर दिखाने वाली हूँ इसमें स्पेस रियर सीट में कैसा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मैं कितने कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ पा रही हूँ। तो आप इसका लेग स्पेस और इसकी हेड स्पेस जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छी है, और बहुत ही क्लियर ये मुझे मिल रहा है, काफ़ी स्पेशियस लग रही है। यहाँ पे 3 लोग बहुत ही आराम से बैठ पाएंगे, इतनी अच्छी खासी जगह है। इसके स्पेक्स चेक कर रहे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्री ओन्ड कार है,
लेकिन इसके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस और इसकी मेंटेनेंस देख करके कहीं से भी नहीं लगता है कि ये एक प्री ओन्ड या फिर एक यूज्ड कार होगी। तो ये सबसे खास बात है मौर्या कार्स की, क्योंकि आप जब भी इनकी गाड़ी में बैठेंगे तो आपको हमेशा वो न्यू वाली फीलिंग हमेशा रहेगी कि मैं एक नई गाड़ी में बैठी हूँ और एक बहुत ही वेल मेंटेन्ड गाड़ी में बैठी हुई हूँ। इनका अपना खुद का वर्कशॉप भी है जहाँ पर आप गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं आफ्टर बाइंग ऑल्सो। ऑफकोर्स हम सभी के मन में जब हम लग्जरी कार खरीदते हैं तो मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि मेंटेन कैसे की जाएगी और इसका मेंटेनेंस क्या आएगा। तो अगर आप उसे मौर्या के साथ में अगर मेंटेन करेंगे, मौर्या के वर्कशॉप के साथ में, तो अगेन विद द क्वालिफाइड टेक्नीशियन अच्छे प्राइस में जो है वो मेंटेन हो जाएगी। है और ये फुल्ली लोडेड टॉप एंड मॉडल है। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ अब इस गाड़ी के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें जो आप लोग जानना चाहते हैं बिफोर बाइंग योर प्रियोन कार। तो ये ऑडी की Q7 है जो कि 2017 का मॉडल है, जो कि नया वाला मॉडल है, नया वेरिएंट है, जैसे कि हम लोगों ने बाहर से भी इस गाड़ी को देखा है। और ये अब तक जो है सिर्फ 29,000 किलोमीटर ड्रिवन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सिर्फ 29,000 ड्रिवन है। जनरली आप किसी भी लग्जरी या प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी में जाएंगे तो इन गाड़ियों को एक्चुअली 3 से 4 लाख किलोमीटर तक भी इनमें मतलब कोई भी फॉल्ट नहीं आ सकती है। ये गाड़ियां इसीलिए बनाई जाती हैं कि ये लॉन्ग रन में आपको अच्छा है। तो 29,000 तो मतलब बहुत ही कम ड्रिवन है ये कार। तो ये जो है डीजल वेरिएंट है ऑडी Q7 का, जो कि 3 लीटर इंजन के साथ में आता है, जो कि अपने आप में बहुत ही मैसिव है, जिसका कि आरपीएम जो है वो 5500 का आरपीएम, एज वेल एज ये आता है 325 के टॉर्क के साथ में। इसका बीएचपी पावर जो है वो 333 का बीएचपी पावर है। तो आप समझ सकते हो कि अपने आप में परफॉर्मेंस वाइज कितनी अमेजिंग गाड़ी देख रहे हैं कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 29,000 चली हुई है और 2017 का मॉडल है, V6 इंजन के साथ में, नए लुक्स के साथ में। तो इस गाड़ी की जो शोरूम प्राइस है वो आज की डेट में है 1.9 करोड़ रुपए, लेकिन आज हमें ये कार अवेलेबल है मौर्या कार्स में सिर्फ 54 लाख में। और ऑफकोर्स थोड़ा सा नेगोशिएबल है, आप जब यहाँ आएंगे तो आपके लिए वो थोड़ा बहुत जरूर प्राइस में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो गाइस ये है हमारी आज की दूसरी गाड़ी जो कि अगेन है ऑडी की Q7, लेकिन ये है ओल्डर वर्जन। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि इसकी फ्रंट ग्रिल और इसकी दो सीट्स है जो कि मैन्युअली जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और आप इसको क्लोज कर दीजिए एक वन टच के साथ। तो ये थी इस गाड़ी की बाहर की प्रोफाइल और बाहर की डिटेल्स। आइए हम इसके अंदर चलते हैं। आप इसकी सीट्स जो देख रहे हैं ये है ऑटोमेटिक एडजस्टेबल सीट, जस्ट वन बटन हियर। तो आप इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से आगे आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं जस्ट विद दिस बटन। तो हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो पूरा इंटीरियर है वो बेज कलर में है। दिया हुआ है ये आर्मरेस्ट जहाँ पर आप अपना मोबाइल वगैरह स्टोर कर सकते हैं विद अ ग्लास होल्डर। यहाँ पर एक एडिशनल ग्लास होल्डर के लिए जगह दी हुई है। ये इसका पैनल है ऑटोमेटिक ड्राइव विद अ डिस्प्ले, ऑफ कोर्स क्वाट्रो बैचिंग के साथ में। अगर मैं ओवरऑल इसकी अंदर की स्पेस के बारे में बात करूं तो आप लोग देखेंगे कि पीछे से, एज मैंने बताया था कि ये 7 सीटर कार है, आप देखिए ये अंदर से भी इसका लुक जो है बहुत ही मैसिव है और काफी स्पेस है अंदर।
इसमें भी आपको मिलेगा पैनोरामिक सनरूफ। तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये 2012 का वेरिएंट है, तो आप देख रहे हैं कि ये कीलेस ड्राइव नहीं है, आपको की यहाँ पर लगानी होगी। और इसका जो डिस्प्ले है वो एनालॉग डिस्प्ले है, क्योंकि अब की नई वेरिएंट्स में जो है अभी डिजिटल डिस्प्ले जो है वो आ गए हैं। ये जो गाड़ी है ट्रिप्टोनिक 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आती है। इसमें 3 लीटर का डीजल इंजन है, 295 की टॉर्क एंड 330 bhp का हॉर्स पावर जो है ये जनरेट करती है। तो ये गाड़ी जो है ये 2012 की मॉडल है, 2012 की Q7 है, जो कि 95,000 किलोमीटर चल चुकी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सब गाड़ियों में, लग्जरी प्रीमियम गाड़ियों में, आपकी गाड़ियों को 95,000 किलोमीटर मतलब बहुत ज्यादा ड्रिवन नहीं है, और 3 से 4 लाख किलोमीटर तक ये गाड़ियां बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। तो ऑफकोर्स आप लोग अभी एक्साइटेड होंगे इसके प्राइस को जानने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में इसका जो कोटिंग प्राइस है वो है 17.5 लाख। यस, ये बहुत ही अमेजिंग प्राइस है, और ये भी जो है ये कोटिंग प्राइस है। तो जब आप इस कार को लेने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ और थोड़ा सा नेगोशिएशन जरूर ही हो जाएगा। आई एम अ वेरी हैप्पी कस्टमर ऑफ मोरिया एंड व्हाई आई एम बैक, आई एम बैक हियर टू बाय अनदर कार। आई होप धीरज इज गोइंग टू गिव मी अ गुड डील। I have a very warm relationship with Dheeraj, and that's probably why I'm back. The quality of the car that I've got, an Audi A6, is awesome. I have no complaints about that, but as we all know in this kind of a market, you know, it's always better to go for another deal if you have a good deal. So I've requested, you know, Dheeraj, that please give me a good deal so that I can look for my second car from you. Yes, promised. And I can assure you and that, you know, all the cars over here are excellent condition therein. Second, the behavior of, you know, the owner and all the staffs over here are awesome. I get a good value for the money that I give, and any problem for customer support, I have called them and they have always been, you know, of my help. So I see no reason, you know, to going anywhere else. हम लोगों ने देखा कि अनुज यहाँ पर अपनी दूसरी गाड़ी लेने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने पहले यहाँ से ऑडी A6 ली हुई है और आज वो अपनी दूसरी गाड़ी देख रहे थे। लकीली हमें उनसे बात करने का मौका मिला। तो आपने देखा कि उन्होंने बहुत राइटली मेंशन किया कि उनकी जो सेल्स एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बेहतरीन था, गाड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और उनकी छोटी मोटी हर प्रॉब्लम को उन्होंने एक्नॉलेज किया। और ऑफकोर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आफ्टर सेल सर्विस, जिसकी वजह से अनुज यहाँ पर आए हैं अपनी दूसरी गाड़ी लेने।